लोनागरी जमशेदपुर में अब जल संकट नहीं होगा क्योंकि शहर में सीवरेज डिस्चार्ज सिस्टम लागू होगा। इस दिशा में एक निजी कंपनी काम कर रही है। कंपनी की योजना है कि नालियों के पानी और बेकार बहने वाले पानी को फिल्टर कर सप्लाई किया जाए। यही नहीं, पानी से निकली गंदगी से खाद बनाने की भी योजना है। जमशेदपुर एक ऐसा शहर हो जाएगा कुछ दिनों में कि 100% सीवेज यहाँ पे जो कलेक्शन होगा उसको हम रिसाइकिल एंड रीयूज करेंगे। मे बी ये पहला शहर होगा कि यहाँ पे 100% सीवेज कलेक्टेड रीयूज होगा, रिसाइकिल होगा फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस एंड इरिगेशन पर्पस। हमारे दो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, बारा एंड करकई। दोनों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का सीवेज शहर में डिफरेंट लोकेशन में 10 सीवेज पंपिंग स्टेशन बने हुए हैं, वहाँ से आता है। तो ट्रीटमेंट के बाद हम सीवेज को टाटा स्टील इंडस्ट्रियल यूज के लिए रीयूज करेंगे। इस प्लांट का नाम है खरखई गार्डन। ये हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि आपका सोनारी, कदमा, नॉर्दर्न टाउन का कुछ पार्ट है, TMH, शास्त्री नगर, कदमा, बिष्टुपुर इत्यादि एरिया से सीवेज का पानी आता है। इसे हम लोग सीवेज के पानी को जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नॉर्म्स है और झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नॉर्म्स है उस नॉर्म से कहीं बेहतर फिल्टर करके वापस नदी में छोड़ते हैं।